social stratification in pakistan this is the topic for today's session a caste system in a system of social inequality in which people's status is permanently determined at birth based on their parents ascribed characteristics so in pakistan there is social stratification is existing and on the basis of definitely on caste system which is called the zat baradari nizam yani pakistan ki andar jo hai by birth a category ke sath link kar diya jata hai ki aapki hai although there is a closed system where individuals live out their lives in the rigid categories assigned to them without the possibility of change pakistan एक तरक्की पजीर मुल्क एक रवायती माशरा है जहाँ पर आम तौर पर जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसके ख़ानदान की शिनाख्त की बुनियाद पर उसको टाइटल मिल जाता है जिसको हमारे यहाँ ज़ात बरदरी के नाम से जाना जाता है लेकिन ये ज़ात बरदरी का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में कहाँ से आया लाजमी बात है कि हम सब जानते हैं कि तारीख़ी तौर पर बर के कल्चर के साथ लिंक होते हुए रवायती तौर पर वो इलाके जो के बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे वहाँ से ये ट्रेडिशंस जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई लेकिन यहाँ अब एक वो का, एक वो क्लास है जिसको कि अपर क्लास कहा जाता है ये वो लोग हैं जो के एलिट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पास वेल्थ है हु डोमिनेट द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ एवरी सोसाइटी ये जो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर लैंड लॉर्ड हैं पॉलिटिशन हैं बिजनेस आइकॉन्स हैं ये सब के सब वो लोग हैं जिनके पैसे की बुनियाद पर मुशरे के अंदर उनका एक मुकाम है फिर ऐसे ही देयर इज अडल क्लास द मेम्बर्स ऑफ द मिडल क्लास अर्न देयर मनी बाई वर्किंग

क्यों क्योंकि अपनी इनकम की बेस पर बास लोगों की इनकम कम होती है तो उनकी कैटेगरी उनकी क्लास कम कंसिडर होती है फिर पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पापुलेशन है देर इज़ द लोअर क्लास ये लोअर क्लास जो हैं ये आमतौर पर स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं और ये आमतौर पर डेली वेजिस पर काम करने वाले लोग हैं जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो आ, जो सीजनल जो लेबर्स होते हैं उनको शुमार किया जा सकता है ये लोअर क्लास वो है जो मेजॉरिटी में है लेकिन स्किल्ड ना होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना होने की वजह से इनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट होती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कमाते हैं इसी वजह से इनको आमतौर पर लोअर क्लास की कैटेगरी में रखा जाता है और इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समझी जाती है अब देखना ये है कि क्या कोई ऐसा मेकनिज़म पाकिस्तान की सोसाइटी में मौजूद है जो इन लोगों को हेल्प आउट करता है या उनके लिए कोई ऐसा नेटवर्क है जो उनको सोशल सिक्योरिटी के मैर्स प्रोवाइड कर दे पाकिस्तानी मुशर रवायती होने के साथ साथ चूँकि अब आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर अवेयरनेस भी आ रही है यहाँ के सियासी निज़ाम को भी ये अवेयरनेस है उनके अंदर भी ये आ गई है कि अपने लोगों को साथ लेकर चलना है अगर माशरे को साथ लेकर चलना है दुनिया के अंदर कम्पीट करना है तो अपनी पॉपुलेशन को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फ्राहम करना जो है वो ज़रूरी है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के वो रवायती एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में ज़ात बरदरी के नाम से लेकर तो जो एथनिक आइडेंटिटी है उसकी बेस पर जो काम के लिहाज से ज़रा के लिहाज से दौलत के लिहाज से जो तकसीम है वो तो आज भी एग्जिस्ट करती है वो इंतहाई क्रिटिकल भी है लेकिन इसके बावजूद इस माशरे के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द या बदेर ये सोशल स्ट्रेटिफिकेसन अपनी क्रिटिकल नेचर से निकल कर हल की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देगी